हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खजान में लाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी क्या हुआ कुनाल? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम हमेशा अपशगुनों वाली बातें क्यों करती हो मुझसे? तबीयत पूछने में कैसे अपशगुन कुनाल? आप यूं नाक चढ़ा के शो शो कर रहे हैं, तो क्या पूछना फर्ज नहीं बनता मेरा? एक मिनट, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। भगवान, क्या हुआ? माय गॉड, ये कैसे? ये काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। टेबल साफ करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहता कहाँ है आजकल तुम्हारा? कुनाल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? आज पहली बार ही हुआ ये। पता है दूध का इस तरह से उबल के गिर जाना मतलब कितनी बड़ी मुसीबत को तुमने दावत दी है। कुछ अनहोनी होने वाली है। कुनाल, ये सब अंधविश्वास है, कोई अनहोनी नहीं होगी। तुम चुप रहो, जबान मत लड़ाओ मुझसे। तुम्हें पता है करतपुर वाली आंटी के वहां भी ऐसा ही हुआ था। सुबह सुबह चाय रखी थी, दूध उबल के गिर गया। उसी दिन शाम को उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुनाल, वो एक्सीडेंट गाड़ी वाले की गलती से हुआ था। गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मारी थी उसे। बस, ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, अब तो मैं ऊपर वाला ही बचा सकता है। पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। हे भगवान, एक दूध उबलने से इतना बड़ा बवाल। ठीक से संभाल के काम करना, कोई सामान ना टूट जाए। आपको बस सामान की पड़ी है ना कुनाल? इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। तुम हर बात को उल्टे तरीके से क्यों समझती हो? तो कल रात को दूध उबल के गिर गया था, इसीलिए बोल रहा था कि आज थोड़ा संभाल के काम करना, ये तो फिर से कोई नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान हुआ है कुनाल? नुकसान की अगर इतनी परवाह है ना तो खुद काम कर लिया करो। बस जरा सा ठीक से काम करने को बोलो, खुद कर लो। तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है, कुछ समझाना ही बेकार है। क्या हुआ? Oh my God! ये क्या कर दिया तुमने? बोल रहा था कि संभाल के काम करो। मैंने कुछ नहीं किया कुनाल, मैंने बस हाथ लगाया और ये गिर गया। क्या हो रहा है ये सब? दो अनहोनी हो गई है इस घर में, अब तबाही इस घर में आकर ही रहेगी। अनहोनी को अब कोई नहीं रोक सकता। कितनी बार कहा है इनसे कि कपड़े सुखाने का स्टैंड लिया है, लेकिन कानों पे जू ही नहीं रेंगती। हमेशा अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। Thank you.
अरे अरे रुकिए, अंदर किधर जा रहे हैं? अरे जाने देना यार, सामान बेचना है। अरे बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, फेरी वाला और सेल्समैन को अंदर आना मना है। अरे यार और जाओ तो कहाँ जाओ, ऑफिस में घुसने नहीं देते, हाँ स्कूल में बेचने नहीं देते, और यहाँ पे तुम लोग सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देते। बहुत देखा तुम जैसे शरीफ आदमी, बाहर कहीं जाकर बेचो अपना सामान। अरे किसके पास फोन है, किसके पास? जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगाइए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना। पता नहीं साहब कैसे गिरी। कोई फायदा नहीं है एम्बुलेंस बुलाने का, ये तो मर चुकी है। किसी ने इसके हस्बैंड को बुलाया है क्या? सुना 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 जिसका डर था वही हुआ, हो गई ना रोनी। अरे अरे मेरी बैग की लात। सर मेरी बहन का खून हुआ, उसकी मौत अपने आप नहीं हुई है। तुम क्या कह रही हो रिया? अचानक ऊपर से नीचे गिरी है वो, तो कैसे कह सकती हो कि ये एक्सीडेंट नहीं है? ये तो सीआईडी को ही पता लगा ले दो कि वो गिरी है या कि गिरी है। सर ये नादान है सर, बहन की मौत के गम में कुछ भी बोली जा रही है सर। हाँ समझ सकते हैं, बहन की मौत का धक्का लगा है। तुम्हें धक्का नहीं लगा? सर मैं तो लूट गया सर, इसके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा सर। वैसे सुधा ऊपर से गिरी कैसे? सर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, सर तो लगता है सर के बल गिरी होगी। पैर से फिसल के गिरती तो पैर टूट जाते हैं, झटके में आके गिर गई। मतलब सर जब ये नीचे गिरी इसकी बॉडी को हवा में पलटने का मौका ही नहीं मिला होगा। दो चार सेकंड में कैसे पलट जाएगी बॉडी? गिरते समय सिर नीचे ही था इसका। अभिजीत मुझे तो लगता है सुधा को किसी ने धक्का दिया बालकनी से। एक बात बताओ, जब सुधा नीचे गिरी तब तुम कहाँ थे? सर मैं घर में ही था सर। सर मेरी बहन तो रोज कपड़े बहलाती, आज कैसे गिर गई? नहीं समझ रही हो रिया, ये एक अनहोनी है, अनहोनी। बताया था सुधा को अनहोनी के बारे में। कैसी अनहोनी? सर जिस घर में दूध उबल जाए, शीशा टूट जाए, वो घर अपशकुन होता है। जिस घर में अपशकुन होते हैं उधर अनहोनी होती ही है सर। hey, चुप रहो, बात खराब मत करो। अनहोनी अपशकुन ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? सर जो सच है वो तो सच ही है ना, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है सर, एक बहुत बड़ी अनहोनी है सर। अब शकुन का नाम लेके तुम लोग बीवियों को ऊपर पहुंचाते रहोगे और हम लोग खड़े तमाशा देखते रहेंगे है? सर हद है, ये लड़की अकेली नहीं गिरी है, साथ में कुछ लेकर गिरी है। ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था हाथ में, शायद किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की होगी इसने, और सर इसके नाखूनों में खाल फंसी हुई है। दिखाओ जरा, ये देख। इसका मतलब है ऊपर वहां पर कोई तो था जरूर, कोई तो जरूर था वहां पे। तो फिर उसे खरोंच भी आई होगी। नहीं
अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्या ये? कल शाम को चोट लग गई थी सर। अच्छा, चोट लगी थी या अपनी बीवी के नाखून लगे थे? ऊपर से धक्का दे दिया उसे। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? सर उनके आपस में रोज झगड़े होते थे। भाग में घी डालना बंद कर। सर, सर पति पत्नी के झगड़े तो हर घर में होते हैं सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी खून कर देगा। इसे पहचानते हो? सर ये तो सुधा दीदी के जैकेट का कपड़ा है। ये इसका नहीं है? नहीं सर। तुम्हारा नहीं है? अगर ये सुधा दीदी के जैकेट का टुकड़ा है कपड़े का, तो फिर वो उसी के हाथ में कहाँ से आया? कैसे आया सुधा के हाथ में? क्यों? सर मुझे नहीं पता है सर। अविक, सर वो जैकेट इन कपड़ों में नहीं है। ओ, जैकेट कपड़ों में नहीं है सर। शायद ऊपर कहीं फंस गई हो। अगर ऊपर फंस गई है तो चलो ऊपर चल के इनका घर भी देखते और वो बालकनी जहां से बेचारी सुधा नीचे गिर गई। जैकेट तो यहाँ नहीं है सर। सर कुणाल नहीं छुपाया होगा। देखते हैं। हाँ तो कुणाल, सुधा की जैकेट कहाँ है? सर मुझे सच में नहीं पता है सर। पता नहीं है? जा ढूंढो जरा घर में अच्छी तरह से, देखो कहाँ पर है जैकेट। तुम्हें पता कैसे चला सुधा नीचे गिर गई है? सर वॉचमैन ने फोन करके बताया था सर। वॉचमैन ने? सर वॉचमैन इधर आओ। जी सर। तुमने सुधा मैडम को नीचे गिरते हुए देखा? गिरते हुए नहीं देखा सर, चीख सुनाई पड़ी, भाग के जाकर देखा तो गिरी पड़ी थी। उस समय बालकनी में कोई था? किसी को देखा तुमने? ये कुणाल साहब। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। कभी नहीं सर वो जैकेट। जैकेट नहीं है? बड़ी अजीब बात है, बालकनी में भी जैकेट नहीं, घर के अंदर भी जैकेट नहीं, सुधा जहां पर गिर पड़ी है वहां पर भी नहीं, बल्कि उस जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में है। तो फिर ये जैकेट गई तो गई कहां? सर हमने सुधा की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और उसके नाखूनों में जो खाल मिली थी उसका सैंपल भी भेज दिया सर। कुणाल जी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद तो तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। आवाज कैसी? साहब जी पास वाले घर में फर्नीचर का काम चल रहे। तो शायद इन काम करने वाले ने कुछ देखा हो। हाँ देखते हैं। क्या हुआ साहब? आसपास तुम्हारे इतना कुछ हुआ है तुम्हें पता है भी या नहीं? साहब शाम तक काम खत्म करके देना है, तो बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं। बाजू के घर में जो औरत रहती थी उसका किसी ने खून कर दिया है। कैसे हो गया खून साहब? बालकनी से धक्का दिया है किसी ने उसे। तुम लोगों ने देखा किसी को धक्का मारते? नहीं साहब, हम लोग तो अंदर ही काम कर रहे थे, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर हमने नहीं देखा। क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई था तुम्हारे साथ काम करने वाला? सर आज तो हम ही लोग काम कर रहे हैं, वैसे एक लड़का और था हमने उसे भगा दिया। भगा दिया क्यों? फालतू था सर, किसी भी काम का नहीं था वो। हाँ कौन वो? सर वो भोलू का भाई था सर। भोलू कौन है?
साहब वो हमारे साथ ही काम करता है। आज उसकी तबीयत खराब थी तो उसने अपने भाई को भेज दिया। साहब कोई भी काम ठीक से नहीं करता था वो, बोलते कुछ और थे और करता कुछ और था। मतलब? अरे साहब इस दीवार पे छेद करने को बोला था उसको और इस दीवार पे छेद कर दिया उसने। जी सर। हाँ। सर ये देखिए सर। माय गॉड यहां से तो सुधा का पूरा घर दिख रहा है। सर सर ठीक इसी दीवार के पीछे हमारे घर में मिरर लगा हुआ था सर, और वो मिरर गिर गया था और अपशकुन हो गया था सर। बिल्कुल उस तरफ मिरर लगा हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ये अपशकुन किया है? हो सकता सर, मौत को अनहोनी करने के लिए किया होगा। सर ऐसे क्यों देख रहे हो सर? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, सच बोल रहा हूं सर। हो सकता है नहीं किया, किसी से करवाया हो। जो पता चल जाएगा भोलू का एड्रेस देना हमें। अच्छा इस भोलू के भाई का स्केच बनवाना। यार भोलू कुछ काम धाम बताना, खाली बैठे बैठे तंग आ गया हूँ यार। तू क्या काम करेगा, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार। यार भोलू वो जो तू लकड़ी का काम करता है उसी में मुझे अपने साथ रख ले। नहीं भैया नहीं, वो काम तुझसे नहीं होगा, लकड़ी के काम में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। अगर मैं अभी भी सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ ना? देखो भाई वैसे तो सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। फोन है। हाँ साहब नमस्ते, बोलू बोल रहा हूँ साहब। हाँ साहब कल आ जाएगा आपका सामान। हाँ आपके घर पे छोड़ के आऊंगा साहब। जी साहब। हाँ साहब साहब कुछ बताया इन लोगों ने कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, इन्होंने हॉस्पिटल आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। शायद वो लड़का जानता है, यही लेके आए थे नहीं यहाँ पे। आपको पता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है सर, इन्हें तो जानबूझ के उड़ाया किसी ने। पीछे से गाड़ी आई और सीधे उड़ा के निकल गई। ये आदमी कौन? सर ये भोलू का भाई है। भोलू का भाई? सर स्केच में तो कोई और ही है। अगर तुम भोलू के भाई हो तो फिर ये कौन है? मैं से नहीं जानता। नहीं जान? ये आदमी तो भोलू का भाई बन के काम पे गया था जहाँ भोलू काम करता है। मगर आज तो काम बंद था भोलू भैया का। क्या? कौन बोला काम बंद? आज सुबह फोन आया था भैया को, बोला आज काम बंद है। मतलब भोलू की तबीयत अबीयत कुछ खराब नहीं थी, उसे काम पे आने से किसी ने मना किया था। सर ये सब खूनी की प्लानिंग होगी, उसी ने भोलू को मना किया होगा। अच्छा इस भोलू का मोबाइल कहाँ है? हॉस्पिटल के ऑफिस में जमा है। काजल एक काम कर, पता करो कि भोलू को किसने फोन किया और कहां से। सब मिस्टर कुणाल इसे पहचानते हैं आप? नहीं सर, कौन है सर ये? शायद इसी आदमी ने तुम्हारी वाइफ सुधा का खून किया है। पर सर मेरी वाइफ सुधा की इसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? दुश्मनी इसकी नहीं, किसी और की भी हो सकती है। आपको किसी पे शक है? मैं किसी पे क्यों शक करूं सर, मेरी बीवी काम ही ऐसे करती थी, मना करने के बावजूद भी अपशगुनों वाले काम किया करती थी। ये लो सर, फिर शुरू हो गया। ये व्याख्यान देना बंद करो, अंधविश्वास पे भरोसा करना बेवकूफी होती है। तो सर
आप ही बताइए सर, कैसे मरी मेरी बीवी? सर, जिस नंबर से भोलू को फोन आया था उसका पता चल गया है। कहाँ का? श्रिया फार्मास्यूटिकल्स का। ओके ठीक है। मिस्टर कुना? यस सर। श्रेया फार्मास्यूटिकल का नाम सुना आपने? हाँ सर, मेरी वाइफ की एक दोस्त उधर काम करती। सुधा की दोस्त का नाम क्या है? शिल्पा। दोनों के कैसे रिलेशन है? वो सब तो मुझे सब पता नहीं है सर, पर दोनों अच्छी दोस्त थी। आखिरी बार कब मिले थे ये लोग? परसों सुधा उससे मिलने गई थी सर, मैं खुद उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में छोड़ने के लिए गया था। और परसों सुधा ने क्या कपड़े पहने हुए थे? मेरा यह मतलब है कि क्या सुधा ने वही जैकेट पहना हुआ था? हाँ सर, परसों उसने वही जैकेट पहना हुआ था सर। हाँ, तो सुधा की मौत की वजह उस जैकेट में ही छुपी होगी। शिल्पा को अरेस्ट करो। सर मेरा ही नाम शिल्पा है। आप श्रेया फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती? जी हाँ करती हूँ। सुधा परसों आपके साथ थी? थी, मगर बात क्या है? शिल्पा जी, आपकी दोस्त सुधा का खून हो गया है। खून? अगर कैसे? किसी ने धक्का दिया था उन्हें। धक्का? किसने? वही जानने आए हम लोग। अब मुझसे क्या जानना चाहते? मुझे क्या मालूम? आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि सुधा के खून में आपका भी हाथ है। मेरा हाथ? लेकिन मैं क्यों मारूंगी उसे? जैकेट के लिए। तुमने जैकेट के लिए सुधा को मारा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सी जैकेट, कैसे जैकेट? शिल्पा जी, हम उसी जैकेट की बात कर रहे हैं जिसे पहन के सुधा 2 दिन पहले आपसे मिलने आई थी। याद कीजिए। जैकेट पहन कर तो आई थी, लेकिन मुझे उस जैकेट की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत सारी जैकेट है मेरे कबर्ड में। क्या चल, जरन का कबर्ड चेक करना। अच्छा, वैसे सुधा उस दिन आपसे मिलने क्यों आई थी? हम साथ में शॉपिंग गए थे। कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कोई ऐसी चीज हुई जिसे देख के आपको कुछ अजीब सा लगा? उस दिन हम थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने बाहर गए और जब लौट के आके देखा तो कंपनी में ताला लग चुका था। इसमें ऐसी अजीब सी बात क्या है? हो सकता है ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। ऑफिस बंद करने का टाइम नहीं हुआ था, पूछा तो पता चला कि तलाशी हो रही। तलाशी क्यों हो रही? शायद कुछ चोरी हो गया था। वो जैकेट नहीं मिला। जब आप दोनों कॉफी पीने गए थे तो उस वक्त सुधा ने वो जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर, जैकेट तो अंदर ही रखी थी ऑफिस में, चेयर पे। मतलब जब ऑफिस में चोरी हुई थी तो चोर ने वो चोरी का सामान निकाल कर उस जैकेट में डाल दिया। मगर सर, ऐसी क्या चीज हो सकती है उसमें जिसे हासिल करने के लिए सुधा का खून कर दिया किसी ने? हासिल कुछ ना कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो अभी उस जैकेट में छुपा हुआ है। सर, ये है साहब का कमरा, आप लोग जरा 2 मिनट यही रुकिए, मैं साहब से पूछ लेता हूँ। पूछ लो, उनको बोलो कि कुछ सीआईडी वाले हालचाल पूछने उनका। जी सर। साहब, सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। साहब कुछ बोल रहे नहीं है। साहब जरा डर। जी मिस्टर विलास, विलास किसने मार डाला मेरे साहब को? तुम तो यहीं पे थे ना? हाँ जी, मैं यहीं पे था, मैं बाहर बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं साहब को किसने मार दिया। ऑफिस के बाकी के लोग कितने बजे गए यहाँ? सब लोग 6 बजे के आसपास चले गए थे साहब। और सबके जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए? कोई नहीं आया साहब, कोई भी नहीं। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तुमने?
नहीं साहब, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। कोई आवाज नहीं सुनी? एक खून हुआ यहाँ, कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पे, कोई उथल पुथल नहीं हुआ। इस आदमी ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? और सर चाकू भी सामने से मारा है। उसका मतलब है विवेक, खूनी विलास के कोई जान पहचान का ही था, जिस पे विलास को कोई शक नहीं था। उसने चाकू निकाला और अचानक इसके छाती पे खोप दिया। सर कहीं ये खून उस चोरी की वजह से तो नहीं हुआ जो यहाँ हुई थी? 3 दिन पहले यहाँ पे किस चीज की चोरी हुई थी? सब वो तो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ विलास सर और करण साहब ही जानते थे बस। करण साहब? ये करण कौन है? इस कंपनी के दूसरे मालिक है वो। हाँ साहब, उस दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा हुआ था जी। और ये करण आज कितने बजे निकला ऑफिस से? सबके साथ ही निकल गए थे भाई, करीब 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास? हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई, और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर आज ये विलास का खून? कहीं इस खून के पीछे करण का हाथ तो नहीं है? लगता है घर में कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। फिर वहां भी कोई है? आप लोग करण सर से मिले हैं? हाँ, तुम कौन हो? मैं हर्ष, उनका असिस्टेंट। तो तुम भी श्रेया फार्मास्यूटिकल में काम करते हो? जी। तो फिर यहाँ बाहर क्यों खड़े? मुझे करण सर का फोन आया था, उन्हें मुझसे मिलना है। इनफैक्ट मैं तो पुणे निकल गया था, बीच रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो सर मुझे बुला के पता नहीं कहाँ चले गए। घर बंद है। अच्छा, कब से खड़े हो यहाँ पे? अभी अभी आया हूँ। तो कहाँ गए होंगे, कुछ अंदाजा है? सॉरी। मोबाइल फोन तो होगा ना उनका? जी प्लीज। वैसे कुछ फायदा नहीं फोन करके, मोबाइल बंद है उनका, मैं कई बार ट्राई करके देख चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर ये करण ऑफिस में नहीं है, घर पे नहीं है, फोन बंद करके कहाँ बैठा होगा? अगर ये पुणे से 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया है तो गाड़ी गर्म होनी चाहिए थी, मगर कार का बॉनेट तो ठंडा है। झूठ बोल रहा है ये, मामला कुछ और ही है। सर करण का फोन बंद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आके मिल लेंगे। चलो बैठो। जा रहे सर हिल, तुम्हें मेरी तरह बनना है तो हालात और मौका देख के मुंह खुला करो। तुझे जिंदा जाने की नहीं जाना यहां से, पूरा घर खंगाल लिया मैंने, लेकिन तेरा वो फॉर्मूला मिलता ही नहीं। सुन, ए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो फॉर्मूला दिखने भी नहीं वाला तुम लोगों को, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। सुनत, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक। इसने मरने की सोच ही ली है तो मार ही देते हैं ना इसे।
मैं मर जाऊंगा ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब मौत सामने दिखती है ना तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं? सीआईडी सीआईडी को बेवकूफ समझा तूने? सर इन लोगों को छोड़ना मत। सर ये लोग लाखों लोगों की जान लेना चाहते हैं। अरे किसे बोल रहा है तू? सीआईडी से? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जिसकी मौत आई है उसे मरना ही पड़ेगा। दिमाग खराब है तेरा? मौत के सामने खड़े होकर मौत को धमकी दे रहा तू? धमकी नहीं है, हकीकत है। हकीकत ये देख, फ्लाइट के टिकट और वीजा के कागज। आज रात 9 बजे हम लोग अमेरिका भाग जाएंगे। फ्लाइट के टिकट और वीजा ये अमेरिका का नहीं है, बड़ी हवेली का है। सोच लो, अगर हम लोग ठीक 9 बजे फ्लाइट में नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा, तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाइपलाइन में मिला देगा। धमकी नहीं है ये, लाखों लोग मारे जाएंगे। कल न्यूज़पेपर में देख लेना। और तुम सीआईडी वाले ही फंसोगे। ये सच कह रहे सर, ये सच कह रहे। इन लोगों के पास वो जहर है जो थोड़ा सा पानी में मिलाने से लाखों लोगों की जान जा सकती है। सर मगर सर ऐसा कोई जहर बना ही नहीं है। ये गलती मुझसे ही हो गई थी, मैंने ही वो जहर बनाया। सर अगर तुमने वो जहर बनाया क्यों? सर बनाना तो नहीं चाहता था मगर बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने वो जहर डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की लेकिन विलास ने मुझे रोक दिया। विलास ने क्यों रोका आपको? सर क्योंकि विलास चाहता था कि हम उस जहर पर और रिसर्च करें। वो चाहता था कि उसे और मात्रा में बनाकर हम मार्केट में उतारें, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया सर। तो फिर वो जहर इनके पास पहुंचा कैसे? सर ये लोगों ने वो जहर हमारे लैब से चुराया। ये राम कहानी बंद करो और हमें एयरपोर्ट छोड़ने का इंतजाम करो। 7:15 बज चुके हैं। अब लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बाकी हैं। तू यहां क्या खड़ा है? चल जा, फॉर्मूला लेकर आ। जाओ कर, वो फॉर्मूला नहीं देगा। अगर फॉर्मूला इनके हाथ लग गया तो ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लाखों लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है। जी सर। और विवेक तुम यही करण के साथ रहो, तब तक मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ता हूँ। मगर सर हम इन लोगों पर यकीन कैसे करें? फ्लाइट में बैठने के बाद भी अगर इन लोगों ने उस आदमी को फोन नहीं किया तो वो तो पानी में जहर मिला देगा। यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इंस्पेक्टर ये गन यहां पर रख दो,
अब इसकी ना तुम्हें जरूरत है ना हमें। अपनी गन भी रख दो इंस्पेक्टर। चले ये तो कहां ले जा रहा है? एयरपोर्ट जाने का शॉर्टकट है ये। अरे आधा घंटा तो हो गया है, टाइम पर पहुंचेंगे ना। अरे हर्ष तू तो टेंशन क्यों लेता है यार, ये तो सीआईडी की जिम्मेदारी है, फ्लाइट के अंदर तक बैठा के आएगा या हमें। लेकिन मुझे तो इन सीआईडी वालों के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा। ये सीआईडी का बहादुर सिपाही है, ऐसे ही थोड़ी ना टेंशन आएगी इसे। करण जी, आपने उस आदमी को देखा है जो पानी में जहर मिलाने वाला है? नहीं सर। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा एक आदमी है? क्योंकि उपेंद्र ने फोन पे एक आदमी को कहा था तैयार रहना। कितने बजे? यही कोई 7:45। कितनी देर बात की थी? लगभग 15 सेकंड। हेलो, हाँ देखिए, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, एक इमरजेंसी है, प्लीज आपकी मदद चाहिए, लाखों लोगों की जान खतरे में है। 7:45 के आसपास उपेंद्र नाम के आदमी ने किसी को फोन किया था और लगभग 15 सेकंड बात की थी जी। जल्दी से पता लगाना है कि उसने किसको फोन किया था और वो आदमी इस वक्त है कहाँ। 8 बजा है, अभी तक फोन नहीं आया। फरिश्ते। अरे फरिश्ते तो लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं, तू तो आज खुद मौत के मुंह में फंस गया। मैं कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों को एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ अमेरिका जाने के लिए? अब मरेंगे, अब करोड़ों लोग मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको मरने से। अर्ज तू फोन लगा अपने आदमी को, फोन उसको अभी जहर मिला पाइप में। लगा फोन लगा। अभी तक तो सीआईडी वालों ने तुम्हारे लोगों को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लिया होगा। लाखों लोगों को मारेगा तू, लाखों लोगों की जान लेगा तू, हाँ? किसी की जान लेना इतना आसान है? मैं हूँ सर, मैंने ही धक्का दिया था सुधा को। क्यों? धक्का क्यों दिया सुधा को? सर उसकी जैकेट में जहर वाली बोतल छुपी थी सर, वो मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए।
वो जहर वाली बॉटल सुधा की जैकेट में किसने छुपाई थी? अर्श ने छुपाई थी सर। सर जैसे मैंने वहां से बोतल चुराई वह बवाल बच गया सर। अरे अब तो बता दो किसने किया ये? आज तक तो इस कंपनी में कभी चोरी नहीं हुई, अब ये भी शुरू हो गया यहाँ पे। अभी बता देगा तो बच जाएगा, नहीं तो नौकरी जाएगी उसकी। यू प्लीज स्टार्ट द चेकिंग। सभी की तलाशी ले जाने लगी सर। और मैंने वहां पर सुधा की जैकेट देखी। और मैंने वो बोतल सुधा की जैकेट में छुपा दी। और सब कुछ चेक होने के बाद मैंने वो बोतल निकालने की बहुत कोशिश की पर मुझे मौका ही नहीं मिला और सुधा वहां से चली गई। फिर क्या किया तुम लोगों? मैंने सुधा के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हमें किसी भी कीमत पे वो जहर की बोतल चाहिए थी। फिर मुझे पता चला सुधा का पति अंधविश्वासी है। और इसी बात का फायदा उठाया तुमने। भोलू को फोन करके बोला कि काम पे मत आ और उसका भाई बन के वहां पास वाले फ्लैट में गए काम करने। और सुधा के घर में शीशा गिरा दिया। फिर तुम सुधा के घर जहां बालकनी में वो कपड़े फैला रही थी। उसने वो जैकेट धो दी थी। वो जैकेट को टंगी हुई देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उस जैकेट को लोने की कोशिश की तभी सुधा ने मुझे देख लिया। और उसी खींचतानी में तुमने सुधा को धक्का दे दिया। हाँ सर। और विलास को क्यों मार? विलास को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने धमकी दी कि वो सीआईडी को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। गुनेगारों को भगवान तो क्या, कोई भी माफ नहीं करता। दो दो बेगुनाह लोगों की जान ली है, कम से कम फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।